Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Async CSS and PMS. और इस वीडियो में हम मार्च 2023 के रिमेनिंग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा मार्च के करंट अफेयर्स का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाकिस्तान रैंकिंग इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, के पाकिस्तान की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में क्या रैंकिंग आई है। तो पाकिस्तान की रैंकिंग आई है सिक्स। पाकिस्तान की रैंकिंग थी पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में। और जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स होता है, ये एनुअली रिपोर्ट पब्लिश होती है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी की तरफ से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है। तो 2023 में फर्स्ट नंबर पर रहा है अफगानिस्तान, सेकेंड पे रहा है बर्किना फासो, थर्ड पे सोमालिया, देन माली, और सिक्स पे जो है वो पाकिस्तान, सेवन्थ पे इराक एंड 13 पे इंडिया रहा है। ये थे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। नेक्स्ट है, अब ये कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं, आप यहाँ से मैप में, वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, जहाँ पे ये जो डार्क रेड एरिया है ना, वो वेरी हाई वाला है, यानी ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये वाले हैं पाकिस्तान भी, और ये वाला है, ये अफगानिस्तान है। ये सारे एरियाज़ जो डार्क रेड में हैं या मैरून कह लें, इन जो हैं ये वेरी हाई इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म वाले एरियाज़ हैं। जो फिर ये लाइट रेड रेड कलर में हैं, जैसे ये इंडिया हो गया, ये हो गया, ये वाले कंट्रीज़ जो हैं इनमें हाई इंटेंसिटी है टेररिज्म के इम्पैक्ट्स की। देन ये मीडियम वाले एरियाज़ हैं, ये और ये वाले, ये सारे जो है ये मीडियम वाले एरियाज़ हैं। देन जो है ये वाले जो एरियाज़ हैं ये वेरी लो, और ये वाले जो हैं जो स्काई ब्लू कलर में हैं, ये नॉट इम्पैक्टेड एरियाज़ हैं फ्रॉम टेररिज्म से। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट ऑस्कर, कि पहली साउथ ईस्ट एशियन जो कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उन्हें मिला है ऑस्कर में, तो वो है मिशेल यो, और ये मलेशियन एक्ट्रेस है मिशेल, और इन्हें ऑस्कर पे फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन थी ये जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। अब पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो रही है 103 आउट ऑफ 137 कंट्रीज़। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जो टॉप किया है वो किया है फिनलैंड ने, और ये फिनलैंड का टॉप करने का सिक्स्थ कंसेक्टिव ईयर है, मतलब पिछले 6 साल से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है वो टॉप कर रहा है। सेकंड पे रहा है इस साल डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे इसराइल, और इंडिया जो है वो रहा है 125th नंबर पे, 137 कंट्रीज़ में 125th नंबर पे रहा है इंडिया। और लीस्ट हैप्पी कंट्रीज़ में आ जाते हैं अफगानिस्तान एंड लेबनान। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 20th of March को, 20th of March को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है। According to UNICEF, how many people of Pakistan's flood-affected areas still lack access to drinking safe water? के safe drinking water की अभी तक जो है वो कौन से, कितने UNICEF के according कितने लोग हैं जो अभी भी safe water से महरूम हैं, या उन्हें अभी तक safe water नहीं मिला? तो according to UNICEF 10 million जो हैं लोग flood-affected areas में, जो कि flood आया था 2023 में जुलाई अगस्त में, तो उनमें अभी भी 10 मिलियन जो हैं वो लैक टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर का शिकार हैं, कि उन्हें पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री हैज़ बिकम लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन ईरान, कि ऐसा कौन सा मुल्क है जो ईरान में लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बन गया है? तो वो है जी रशिया, और रशिया ने जो है वो 2.76 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। नेक्स्ट है हमारे पास बाबर आजम वॉज अवॉर्डेड विद डैश ऑन 20th March 2023। 23 मार्च 2023 को बाबर आजम को किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो वो था जी सितारा इम्तियाज़, और बाबर आजम जो हैं वो यंगेस्ट क्रिकेटर हैं सितारा इम्तियाज़ को रिसीव करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड लॉ अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट किस अफ्रीकन कंट्री ने रिसेंटली लॉ पास किया है? तो वो की है युगेंडा ने, कि उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी है उसे क्रिमिनलाइज कर दिया है।
नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को, और जो 2023 को मनाया गया था उसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ये थीम था जो कि 21 मार्च 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया था। और साथ ही 21 मार्च को एक और दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो होता है जी वर्ल्ड पोइट्री डे। और 2023 का वर्ल्ड पोइट्री डे का थीम जो था वो ये था, ऑलवेज अ पोइट इवन इन प्रोज। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू ऑफर सिटीजनशिप टू रोबोट, कि एक रोबोट को सिटीजनशिप देने वाला सबसे पहला कंट्री कौन है, तो वो है सऊदी अरेबिया। और उस रोबोट को जिनको उन्होंने सिटीजनशिप दी है सऊदी अरेबिया की, उसका नाम है सोफिया, और ये वो रोबोट है जिसे सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 2023 में वर्ल्ड वाटर डे गुजरा है वो 22 मार्च 2023 को, उसका थीम था एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये थीम था। और नेक्स्ट है हमारे पास SCO सेमिनार हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। ऑन रिसेंटली जो है वो न्यू दिल्ली में इंडिया की चेयरमैनशिप में SCO का सेमिनार हुआ है, तो वो हुआ है 21 मार्च 2023 को। और इसमें इसकी जो अहम बात थी इस सेमिनार की, वो ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान की एंट्री को डिनाई कर दिया है। किस बेसिस पे? इस बेसिस के पे कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी को अपने मैप का हिस्सा बना के रखा था, तो इस वजह से उन्होंने SCO सेमिनार में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को डिनाई कर दिया था। नेक्स्ट है हाउ मैनी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज अटेंडेड रशिया अफ्रीकन इन मल्टीपोलर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन मॉस्को। तो मॉस्को में रिसेंटली जो है वो रशिया अफ्रीका इन मल्टीपोलर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तकरीबन 40 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ये हुई कब थी? ये हुई थी 19 से 20 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट वेमेन टू रिप्रेजेंट मेजॉरिटी पार्टी इन गवर्नरशिप एंड स्टेट असम्बली इन इलेक्शंस इन नाइजीरिया, के नाइजीरिया में पहली वेमेन जो है जिन्होंने मेजॉरिटी पार्टी गवर्नरशिप में और स्टेट में असम्बली इलेक्शंस में, स्टेट के असम्बली इलेक्शंस में रिप्रेजेंट की है, पहली वेमेन जो थी उनका नाम था आयशातो बिनानी दाहिरो। तो ये फर्स्ट वेमेन थी जिन्होंने नाइजीरिया की ये लीडिंग पार्टी की गवर्नर रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रोविंस है साइंड एग्रीमेंट टू बिकम सिस्टर प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया, कि वो कौन सा मुल्क है जिसने जॉर्जिया के साथ सिस्टर प्रोविंस का एग्रीमेंट किया है, तो वो है सिंध। इसके अलावा आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक और प्रोविंस ने भी रिसेंटली जो है वो US की एक और स्टेट के साथ सिस्टर प्रोविंस एग्रीमेंट किया था, तो उसका अगर आपको नाम याद है आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास PSL 8 के विनर कौन थे, तो PSL 8 के विनर जो थे वो लाहौर कलंदर्स थे, और उन्होंने बीट किया था मुल्तान सुल्तान को। और ये PSL की हिस्ट्री में फर्स्ट रिपीट चैम्पियन रहे हैं, और इन्होंने 7 out of 10 मैचेस जो हैं वो विन किए हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मैनी पीपल इन 2021 फेल इल विद टीबी, के WHO के मुताबिक टीबी में कितने लोग टीबी का शिकार हुए हैं, तो 10.6 मिलियन जो लोग हैं वो टीबी का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान हैज़ द डैश हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी, तो पाकिस्तान का हाईएस्ट बर्डन जो है वो टीबी का कितने नंबर पर है, तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर है हाईएस्ट टीबी की रेशो पर। और ये जो था ये 2023 में जो सेलिब्रेट हुआ है वर्ल्ड टीबी डे, तो उसका जो थीम था वो ये था यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान हैव मेड इट टू QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2023 में, कि QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2023 में पाकिस्तान की कितनी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, तो पाकिस्तान की सिर्फ 12 जो हैं प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो QS वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग में आई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ऑफ 21 मार्च, के 21 मार्च को रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया था,
तो उसकी क्या मैग्नीट्यूड थी? तो उसकी मैग्नीट्यूड थी 6.5 और इसका एपिसेंटर था हिंदू कुश अफगानिस्तान की तरफ। और केपी में जो इनिशियल डेथ रिपोर्ट्स हुई थी वो थी 10 डेथ्स और 62 इंजर्ड पीपल जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास विच पार्टी इज रिसेंटली मर्ज विद पीटीआई। तो रिसेंटली पीटीआई के साथ मर्ज होने वाली पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग ज़िया, और मुस्लिम लीग ज़िया जो है उनके चीफ जो है उनका नाम है इजाजुल हक। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट फीमेल जज इन न्यू जर्सी हु टुक ऑथ वेयरिंग हिजाब। के पहली फीमेल जज न्यू जर्सी की जिन्होंने हिजाब पहने हुए और दूसरे एक हाथ में कुरान पाक भी हाथ रखा जो उन्हें उनकी ग्रैंडमदर की तरफ से तोहफा मिला था उसके ऊपर हाथ रखी, उन्होंने ऑथ ली है। तो हिजाब वेयरिंग फर्स्ट वेमेन जो है उनका नाम था नादिया कहफ। तो नादिया कहफ जो है वो फर्स्ट हिजाब वेयरिंग जज है, फीमेल जज हैं न्यू जर्सी की। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ब्रिटिश पाकिस्तानी डिप्लोमेट टू अपॉइंट इन हिज मजेस्टीज ब्रिटिश काउंसिल जनरल। तो पहली ब्रिटिश मुस्लिम पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो कि हिज मजेस्टीज ब्रिटिश काउंसिल जनरल में जो है वो अपॉइंट हुई है उनका नाम था फौजिया यूनिस। तो फौजिया यूनिस वो हैं जो कि फर्स्ट ब्रिटिश पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं जो कि हिज मजेस्टीज के ब्रिटिश काउंसिल जनरल में अपॉइंट हुई हैं। तो ये थे हमारे पास पूरे मार्च के महीने के करंट अफेयर्स। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और अगर अभी तक आपने मार्च के करंट अफेयर्स का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।